रेलवे स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत मिथिला पेंटिंग के प्रोडक्ट का एक स्टॉल प्लेटफॉर्म नंबर एक पर लगाया गया है। यह स्टॉल समस्तीपुर रेल मंडल की पहल पर मधुबनी के कन्हैया आर्ट गैलरी की ओर से लगाया गया है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत 15 दिनों के लिए लगाया गया है। उसके बाद अगर इसका प्रदर्शन बेहतर रहता है तो इसे अस्थायी स्टॉल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। कन्हैया आर्ट गैलरी मधुबनी के संचालक कन्हैया कुमार ने कहा कि उन्हें समस्तीपुर रेल मंडल की ओर से प्लेटफॉर्म नंबर एक पर यह स्टॉल लगाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा, विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने यह पहल की है। उन्होंने कहा कि इस स्टॉल पर फ्रेम की हुई मिथिला पेंटिंग से सजे साड़ी, कपड़े, पाग, दुपट्टा और स्थानीय स्तर पर बनाए जाने वाले सजावट के सामान उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस स्टॉल पर 60 रुपए से लेकर 6,000 तक के प्रोडक्ट उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि दरभंगा स्टेशन पर इस स्टॉल को काफी रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग यहां से खरीदारी भी कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि उनकी आर्ट गैलरी में कलाकारों का एक समूह है जो मिथिला पेंटिंग के कई तरह के प्रोडक्ट बनाता है जो देश भर में भेजे जाते हैं। वही स्टॉल पर मौजूद मिथिला पेंटिंग के एक कलाकार कुमारी प्रभा ने कहा कि वे लोग मिलकर घरेलू सजावटी सामान से लेकर साड़ी और कपड़ों तक पर मिथिला पेंटिंग करती है। उन्होंने कहा कि मिथिला पेंटिंग भले ही विश्व प्रसिद्ध हो लेकिन उसे कलाकारों की स्थिति अच्छी नहीं रही है। उन्होंने कहा कि अब सरकारी स्तर पर और स्वयंसेवी सहायता समूहों की ओर से कलाकारों के लिए काफी कुछ किया जा रहा है जिससे उनकी स्थिति सुधर रही है। उन्होंने रेलवे को इस पहल के लिए धन्यवाद दिया। वहीं स्टॉल पर पहुंचे एक स्थानीय ग्राहक एससी मिश्रा ने कहा कि रेलवे की यह पहल बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि वे स्टॉल पर आए हैं और यहां कई सारे मिथिला पेंटिंग से सजे धजे कई सारे लुभावने प्रोडक्ट दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री आते हैं, वे इस स्टॉल पर आकर मिथिला पेंटिंग को देखेंगे। इससे अपने क्षेत्र की कला संस्कृति को दूर दूर तक पहचानने में मदद मिलेगी। पेपर बनाते हैं, कैनवास बनाते हैं, साड़ी, स्टॉल, दुपट्टा, पाग सब बनाते हैं। इसके पहले कहाँ कहाँ आप लोग बेचते रहे हैं? जहाँ जहाँ स्टॉल आता है सरकार तरफ से वहाँ वहाँ बनाते हैं। कलाकारों की स्थिति तो आगे वाले से होगा, आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं जो यही उत्थान सब जो चल रहा है अभी, इनसे हम लोगों को प्रोत्साहन मिलती है आगे ऐसा ही चलता रहे। अभी रेलवे ने जो ये कदम उठाया है इससे कितनी उम्मीद जगी है मिथिला पेंटिंग के कलाकारों को? जी, इससे बहुत उम्मीद जगी है मिथिला पेंटिंग कलाकारों को, इनसे हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिला है। इनके लिए कन्हैया आर्ट गैलरी मधुबनी है जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तरह हमने यहाँ पे मधुबनी स्टेशन दरभंगा स्टेशन पे स्टॉल लगाए जो समस्तीपुर DRM ऑफिस से ये किया गया है। कब से कब तक ये स्टॉल है? ये सर 9/4/2022 से 23/4/2022 तक है। क्या क्या लाए हैं आप यहाँ? हम यहाँ लाए सर मिथिला पेंटिंग में मधुबनी पेंटिंग है और पाग है, दुपट्टा है, सिक्की पेंटिंग है, कैनवास है, सिल्क कपड़ा है, साड़ी है और पेपर मेसी का बना हुआ प्रोडक्ट। तो दरभंगा स्टेशन पर किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? अभी जो हम आज ओपनिंग किए हमने आज से तो अच्छा रिस्पांस मिल गया है और बिका भी है बढ़िया। हमारे पास सर जैसे मास्क हो गया, मास्क को 60 रुपये से किए हैं और पेंटिंग हमारे पास 50 रुपये से लेके 6,000 तक पेंटिंग है, 8,000 का भी है, 10,000 का भी है। साड़ी आपको 5,000 से लेके 10,000 तक है, बाग मेरे पास 250 रुपये का है और पेंटिंग विभिन्न प्रोडक्ट है। और खासियत मेरा स्टॉल का ये है सर कि मैं फ्रेम किया हुआ भी यहाँ पे मेरे पास लग रहा है कि हमको बहुत खुशी लग रहा है कि जो अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए स्टॉल लगा है। क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे तो अपना साड़ी है, मास्क है, खास करके अपना मिथिला पेंटिंग का पहचान जो मास्क के ऊपर आपने डाला है अभी विश्व में उसका डिमांड है। रेलवे ने ये प्रयास किया है, रेलवे को क्या कहेंगे आप? रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि कम से कम अपना एक जगह दिया यहाँ पे और ये सामूहिक सभी लोगों का सामूहिक जागरूकता के लिए बहुत ही अच्छा है। जंक्शन पर जो भी यात्री आएंगे, जो भी देखेंगे, एक दूसरे को प्रचार करेंगे, माहौल अच्छा है। अपना मिथिला का घर में हो गया तो लेकिन मधुबनी हो गया, लेकिन मिथिला हो गया, लेकिन अपना पेंटिंग्स हो गया। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।
50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक। अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।